हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन हियर सेज दैट आइडेंटिफाई द पॉसिबल लाइन ए इन द फॉलोइंग फूड चेन. प्लांट, इंसेक्ट, फ्रॉग, फिर ए हमें फाइंड आउट करना है और ईगल. तो यहाँ फोर ऑप्शंस दिए हैं, पैरट, रैबिट, वुल्फ, कोबरा. तो इन फोर ऑप्शंस, जो चार एनिमल्स हैं, इनमें से ए बताना है कि ए क्या हो सकता है. तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट की. जो यहाँ की कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो है फूड चेन. तो फूड चेन क्या होता है? तो फूड चेन हमारा एक ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ इवेंट इन एन इकोसिस्टम वेयर वन ऑर्गेनिज्म ईट अदर ऑर्गेनिज्म. सबसे पहले ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है फूड चेन का, इसको हम एनालाइज करते हैं. तो प्लांट जो है, प्लांट हमारा है प्राइमरी प्रोड्यूसर, इंसेक्ट है प्राइमरी कंज्यूमर, और फ्रॉग है सेकेंडरी कंज्यूमर. और जो ए हमें फाइंड आउट करना है वो फ्रॉग पे हमारा प्रे कर रहा है, तो इस ये हो जाएगा हमारा टर्शियरी कंज्यूमर. और ये जो ईगल है, ईगल ये हो गया टॉप कंज्यूमर. तो हमें जो फाइंड आउट करना है वो एक टर्शियरी कंज्यूमर है. तो यहाँ जो चार ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से हमें एक टर्शियरी कंज्यूमर को फाइंड आउट करना है. तो पहला ए है जिसमें पैरट है, तो पैरट तो हमारा होता है प्राइमरी कंज्यूमर, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया क्योंकि ये फीड करता है प्लांट्स पे, सीड पे, सीड वगैरह पे. अब हमारा जो बी है, रैबिट है, रैबिट भी सीड नट्स वगैरह पे फीड करता है, तो ये भी हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है, ये भी रॉन्ग हो गया. वुल्फ हमारा टॉप कंज्यूमर है, तो ये हो सकता है ऑप्शन. लेकिन ये जो वुल्फ है ये ज़्यादातर प्रिफर करता है कि बड़े जानवर को फीड करना, बड़े जानवर पे प्रे करना, क्योंकि लाइक डियर पे प्रे करना. और जो फ्रॉग है वो बहुत छोटा हो गया, तो हमें ऐसा कुछ पता करना है जो फ्रॉग पे प्रे करे. तो जो कोबरा है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, कोबरा प्रे करता है फ्रॉग को, और प्रे बाई ईगल, ईगल के द्वारा ये प्रे भी होता है. तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया डी, कोबरा. That's it for the question. Hope you understood it well. Best of luck.